वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फॉर बिगिनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या इंग्लिश का एक नया लेसन, जहां पर हमें ये समझना है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज क्या होती हैं। बट फ्रेंड्स, इस लेसन को पढ़ने के लिए पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर डिग्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक लेसन है क्या डिग्री, और डिग्री जो होती है ना, वो हमारी तीन प्रकार की होती है। एक तो हमारी क्या होगी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हमारी क्या होगी कॉम्पिटेटिव डिग्री, और तीसरी हमारी क्या होगी सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा कि हमने किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो भी हमारी राय थी, अच्छी या बुरी, वो हमने बता दी। बट कॉम्पिटेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके पूरे समूह में, उसके पूरे ग्रुप में या तो सबसे अच्छा बताया जाता है या फिर उसे सबसे बुरा बताया जाता है। अब पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जांपल सुनिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि वह ईमानदार है, तो ये हमारी कौन सी डिग्री का सेंटेंस कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वह आपसे ज्यादा ईमानदार है, तो क्या आपने माइंड किया यहां पर मैंने उसकी आपसे तुलना की है और मैंने उसे आपसे ज्यादा ईमानदार कहा है। और जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाएगी, तो वह हमारी कौन सी डिग्री कहलाएगी, कॉम्पिटेटिव डिग्री कहलाएगी। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, हम किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके पूरे समूह में सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताएंगे। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि वह इस कक्षा का सबसे ज्यादा होशियार लड़का है, तो क्या आपने माइंड किया मैंने पूरी कक्षा में उस लड़के को सबसे ज्यादा होशियार कहा है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वह इस कक्षा का सबसे कम बुद्धिमान लड़का है, तो चाहे मैं सबसे कम बोलूं या फिर सबसे ज्यादा बोलूं, तो अगर मैंने उस व्यक्ति को, उस लड़के को या फिर किसी वस्तु को उसके पूरे समूह में सबसे अच्छा या फिर सबसे कम, सबसे अच्छा हो, सबसे बुरा हो, सबसे ज्यादा हो, सबसे कम हो, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, सुपरलेटिव डिग्री का होगा। तो आप माइंड कीजिएगा कि जैसे बात कॉम्पिटेटिव डिग्री की होगी, तो हम यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना कर रही होगी। लेकिन अगर बात मैंने सुपरलेटिव डिग्री की है, तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में क्या होगा कि हम किसी व्यक्ति और वस्तु को उसके पूरे समूह में या तो सबसे अच्छा बताएंगे या फिर सबसे बुरा बताएंगे। अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर सबसे लिख के आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, सुपरलेटिव डिग्री का होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये समझना है कि कॉम्पिटेटिव डिग्री में हम जिस व्यक्ति और वस्तु से तुलना करते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु के पहले या तो हम दैन का यूज करते हैं या फिर किस का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में हम दैन का यूज करेंगे, लेकिन कुछ शब्द जैसे जूनियर, सीनियर और डैश डैश में क्या यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है। अब फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। ये लिखा मैंने कहा ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या हो गया बहादुर, क्लेवर मीन्स चतुर, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और लेजी का मतलब क्या हो गया सुस्त। और ये सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये लिखा है मैंने क्या पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटेटिव डिग्री, और ये क्या हो गए सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, और ये सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्पिटेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, और ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। माइंड आपको ये करना है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ आर, ई आर या फिर आई ई आर को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेटिव डिग्री बनाते हैं। तो सामान्यतः ई आर जोड़कर कॉम्पिटेटिव डिग्री बनाई जाती है, लेकिन अगर लास्ट का लेटर पहले से ही ई हो, तो हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना होगा, आर जोड़ना होगा। और अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या जोड़ना होगा, ई आर जोड़ना होगा। और अगर लास्ट का लेटर हमारा क्या हो जाए, वाई हो जाए, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम वाई को हटाकर आई ई आर जोड़कर कॉम्पिटेटिव डिग्री बनाते हैं। और इसी पॉजिटिव डिग्री के साथ एस टी, ई एस टी या फिर आई ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो आपको माइंड ये करना है कि अगर लास्ट का लेटर पहले से ही ई हो, तो हमें वहां पर सिर्फ क्या जोड़ देना होगा, एस टी, और ऐसा ना हो तो हमें क्या करना होगा, ई एस टी जोड़ना होगा। लेकिन अगर लास्ट का लेटर वाई हो जाएगा, तो वाई को फिर से आई में बदल देना है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, ई एस टी जोड़ना होगा।
और एक बात को आपको माइंड आउट करना होगा कि अगर बात सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव्स की जा रही है, ये कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते, इनके ठीक पहले हमें 10 शब्द का यूज करना होगा। यानी जब इसको सेंटेंस में बोला जाएगा तो हम सिर्फ ब्रेवियस्ट नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना पड़ेगा, द ब्रेवियस्ट, द क्लेवरेस्ट, द वाइजेस्ट, द लेजिएस्ट, और इसके बाद जो नाउन आएगा तो जोड़ना ही होगा, जैसे द ब्रेवियस्ट बॉय, द क्लेवरेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट गर्ल, द लेजिएस्ट मैन। तो आपको माइंड में करना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले हमें द का यूज करना ही होगा। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि वह बहादुर है। क्या बता सकते हो ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस होगा हमारा? मैंने इसमें किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना तो नहीं की और ना ही मैंने उसको सबसे ज्यादा बहादुर बोला है। ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पॉजिटिव डिग्री का हो गया। और सेंटेंस हमारे पास क्या है कि वह बहादुर है। इस सेंटेंस को अगर मैं बनाऊंगा इंग्लिश में तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज ब्रेव। यानी हमें यह समझना होगा कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का है तो हमें एडजेक्टिव भी पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही इज ब्रेव। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कहता कि वह आपसे ज्यादा बहादुर है तो आपने माइंड किया कि मैंने उसकी आपसे तुलना कर दी, और ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री का हो गया। अब अगर सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का है तो हमें जो एडजेक्टिव है ना वो भी कॉम्परेटिव डिग्री का ही रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम ब्रेव का यूज नहीं कर सकते, हमें किसका यूज करना होगा, ब्रेवियर का यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज ब्रेवियर देन यू। अब देन का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हमें देन या फिर टू का यूज करना होता है, और टू का यूज कहाँ करना होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाकी सभी जगह आपको देन का ही यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट बना है कि ही इज ब्रेवियर देन यू। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि वह इस कक्षा में सबसे ज्यादा बहादुर लड़का है, तो मैंने पूरे कक्षा में जितने भी लड़के थे उन लड़कों में से उसे सबसे ज्यादा बहादुर कहा है, और ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। अब इसको बनाने के लिए मुझे सुपरलेटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव का यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन दिस क्लास। और आपने माइंड किया कि ब्रेवेस्ट के पहले मैंने क्या रखा है, द का यूज किया है। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करोगे तो उसके पहले आपको द का यूज करना होगा। कुछ एग्जाम्पल और सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता ही इज क्लेवर तो इसका मतलब क्या, वह चतुर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ही इज क्लेवर देन रवि तो हिंदी क्या होगी, कि वह रवि से ज्यादा चतुर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन हिज विलेज तो हिंदी क्या निकलेगी, कि वह अपने गांव का सबसे ज्यादा चतुर लड़का है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि यू आर लेजी तो हिंदी क्या निकलने वाली है, आप सुस्त हो। और अगर मैं आपसे कह देता कि यू आर लेजियर देन योर फादर तो हिंदी क्या निकलेगी, कि आप अपने पिता से ज्यादा सुस्त हो। और अगर मैं आपसे कहता कि यू आर द लेजिएस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास तो हिंदी क्या निकलती, कि आप इस कक्षा के सबसे ज्यादा सुस्त लड़के हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपकी डिग्री समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स अगले लेशन में हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री के लेशन को आगे बढ़ाएंगे, और हमें यह समझना होगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का हो जाए तो उसे कॉम्परेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे बदलें, या फिर कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो उसे पॉजिटिव में कैसे बदलें, या फिर हमें सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का ही मिल गया है तो उसे दूसरी अन्य डिग्रियों में कैसे बदला जाए। तो आराम से फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारी चीजें आपसे बनती रहेंगी तभी जाके आपको अगला लेशन समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।